क्या नाम आपका? नाम नंदलाल शर्मा। पंडित जी, अक्षय तृतीया आने वाली, कब की अक्षय तृतीया है, आप क्यों मनाते हैं, क्या कुछ महत्व रहता है? देखो, अक्षय तृतीया जो है इस साल 10 मई को मनाया जा रहा है, और 10 मई को मनाने का कारण, अक्षय तृतीया को परमात्मा विष्णु का ही अवतार है, परशुराम जी का भी जन्मदिन है और माँ लक्ष्मी का भी दिन है, माना गया है शुक्रवार को। लेकिन आपके जो अक्षय तृतीया को तारा डूबने के कारण शुक्रस्त हो रहा है, तो वैसे ही सर्वसिद्धि योग है, सर्वसिद्धि योग होने के कारण परमात्मा की असीम कृपा, जिस दिन अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी जी की पूजा, और उस दिन सर्वसिद्धि योग माना जाता है कि बिगड़ दिखाए भी शुभ मुहूर्त माना जाता है, शादी विवाह गृह प्रवेश मंगल कार्य जो भी है, लेकिन अब के जो है तारा डूबने के कारण विवाह कार्य मंगल भी अशुभ माना गया है। तो वैसे 10 मई को सुबह 4 बजे से ही अक्षय तृतीया लग जाएगी, और दूसरे दिन शनिवार को 3 बजे तक ये अक्षय तृतीया रहेगी। तो पूजा कर जाने क्या कुछ महत्व रहता है? अक्षय तृतीया को माँ लक्ष्मी की पूजा शुभ माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार हुआ है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भी युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं, अक्षय होता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उस दिन पापों से बचना चाहिए, मतलब इस दिन शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन नारियल, दक्षिणावर्ती, शंख, भगवान शिवलिंग खरीद करके घर लाना, ये बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को महालक्ष्मी की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन शुक्रवार ही पड़ता है, ऐसे अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजा का सुंदर संयोग बना है। और इस दिन अक्षय तृतीया को पावन पर्व हर साल वैशाख माह के तृतीय मावस बीच तृतीय तिथि को, तो तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है, इसी नाम से जानते हैं, ये से उस दिन पुण्य कर्म करते हैं, और वह अर्जित पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, हमेशा आपके साथ मौजूद होता है, आपको कभी कभी तृतीया पर जो लोग पाप कर्म करते हैं उसका फल भी पूरे जीवन साथ रहता है, जो पापों से बचना चाहिए क्योंकि वह अक्षय रहता है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन गलत काम से बचना चाहिए।